शब्द 46 पंडित एक अचरज बड़ हुई, एक मरी मुई अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई, कर स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांध जनेऊ, हणिया हाण हाण थरिया मुख अब खटकरम बनेऊ, धर्म करे जहां जीव बदत हुए अकर्म करे मोरे भाई, जो तुहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, कहें कबीर सुनो संतो भरम भूल दुनियाई, अपरम पार पार पुरुषोत्तम यागत बिरले पाई। पूरा पद व्यंगात्मक है, आठों पंक्तियां व्यंग में कही गई है। पंडित एक अचरज बड़ हुई, पंडित लोग मिलने आए साहेब से, अब ऐसे पंडित रहते थे जो खूब जल तरोई की जरूरत उनको सब समय रहती थी। ऐसे पंडित जल तरोई, जल तरोई मछली, वैसे लोग कहते तो जल तरोई है। तो साहेब ने कहा पंडित ये कचरज बड़ हुई, एक बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। पंडितों ने कहा महाराज क्या आश्चर्य होता, आपका तो आश्चर्य भी बड़ा भयंकर है, बताइए क्या आश्चर्य होता। पंडित लोग डर गए। साहेब ने कहा एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई, एक के मरे और मुए, एक मरी मुए, मरी और मुए के बात है, पुनरुक्ति है, लेकिन ये पुनरुक्त दोष नहीं क्योंकि लहजा सुंदर है कहने का, जोर डालने के लिए। एक मरी मुए, एक के मर जाने पर अन्न नहीं खाते हो। अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो पंडित उसके घर में 10-12 दिन तक भोजन नहीं करता, और उसके घर में ही नहीं उसके कुल गोत्र में नहीं करता। अगर अयोध्या के पास कोई मर गया और उस कुल गोत्र वाले यहां हैं और पंडित उसके घर आया और सुन लिया तो उसके घर में भोजन नहीं करेगा, भले अयोध्या में मरा है लेकिन उसका कुल गोत्र वाला ही है तो बिल्कुल भोजन नहीं कर सकता। साहब कहते भाई तुम बड़े पवित्र हो, किसी के घर में कोई मर गया उसको ले जाकर के जला दिए, गाड़ दिए, तब पर भी उसके कुल गोत्र में तुम भोजन नहीं करते, इतने शुद्ध हो। लेकिन ये आश्चर्य होता है कि एक मरी सिजे रसोई, एक मछली मार डाले, बकरा मार डाले और उसको काट करके बना करके हंडी में पकाते हो, तुम्हारे रसोईया में पकता है और उसमें कुछ अशुद्ध नहीं होता, ये आश्चर्य होता है। कहीं कोई मर गया उस मुद्दे को जला दिए, गाड़ दिए और घर में कुछ नहीं लगा, लेकिन उस घर में आप भोजन नहीं कर सकते हो, और एक मुर्दा को आप काट करके रसोई में पकाते हो और खाते हो और फिर भी आप अशुद्ध नहीं होते, ये बड़ा आश्चर्य होता है। संतो मानुस्तन बवराना, एक भजन है साहब का। जब मैं कबीरपंथ नहीं जानता था तब भी ये भजन सब सुनता था। एक नाई था, भुकलू नाई, अभी तक तो 1-2 वर्ष तक जीवित था, अब वो अगर होगा तो 85 वर्ष से तो कम नहीं होगा। तो वो भजन खूब गाता खजड़ी लेकर, और कई लोग गाते थे तो गोल घेरम बैठते थे जमीन पर और खजड़ी लेके फिर गाँव, तो खूब रात रात भजन गाँव, कबीर साहब भजन ही खास रहता था। संतो मानुष तन बवराना, घर में एक ठो मुर्दा मर गए और उसको जार भोज दिए, मैंने जला डाले और बाहर से एक मुर्दा लावे, लोन तेल घी साना और घर भर खाई के करत है बखाना। इन घर में कोई मर गया तो ले जाके बाहर फेंक दिए, जला दिए और बाहर से एक मुर्दा ले आए तो उसको पका के नोल तेल घी डाल करके खाते हैं और घर भर खूब बखान करते, बहुत बढ़िया सुनहला गोश्त बना। जब खूब तेल डाल देते हैं तो पीला पीला हो या सुनहरा गोश्त कहते हैं। एक पंडित जी कहते महाराज सुनहला मुर्गंडा खाना चाहिए। हम कहे धन्य हो महाराज, कैसे पंडित हो। तो साहब कहते ये बड़ा आश्चर्य है, तो भुकलू ना गावे और मछली खूब खाए। और मैं अभी भी सुना हूं, जब 2-3 वर्ष हुआ है कोई मिला था तो मैंने कहा भाई भुकलू हैं कि मर गए, कहे साहब हैं अभी। हम कहे मछली अभी भी खाते, कहे हाँ अभी भी खाते हैं। और ये भजन गाते थे तो क्या हुआ भजन गए। तो साहब कहते हैं कि तुम बड़े पवित्र हो, किसी के घर में कोई मर जाए तो उसके घर में भोजन नहीं करते हो, लेकिन हाँ एक मुर्दे को लाके काट के
हंडी में पका के और खा जा दे और अशुद्ध नहीं होते हो। कर स्नान देवन की पूजा नवगुण का जनेऊ, आप लोग स्नान करते हो सुबह, ये बड़ी बढ़िया बात है, और देवताओं की पूजा करते हो, चलो ये भी चल जाएगा। नवगुण का जनेऊ, नवगुण सूचक यज्ञ पवित कंधे में आप डाले जाते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हड़िया हाण हाण थरिया मुख, अब खटकर्म बने हो, हड़िया में हाण मांस पकाते हो और थरिया में हाण मांस रखते हो और मुख में हाण मांस रख करके चबाते हो, अच्छा आपका षटकर्म अच्छा बन गया। ब्राह्मणों के 6 कर्म, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म है। अब इस 6 कर्म के साथ साथ स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, तर्पण करना, जप करना, होम करना, ये भी 6 कर्म है। तो साहब कहते लेकिन तुम्हारा 6 कर्म क्या हो गया, हड़िया में हाड़, थरिया में हाड़, मुख में हाड़, ये 6 कर्म बहुत बढ़िया कर्म बना। वो कैसे सूझ उनको हो जाती थी, कैसे उनके दिमाग में बातें आ जाती थी, और कैसे वो कहने में निपुण थे, कविता बनाने में, और कैसे निर्भय थे, ये सारी बातें अद्भुत है। हड़िया हाण हाण थरिया मुख, अब खटकर्म बने हो, अब षटकर्म अच्छे बन गए, तुम्हारे 6 कर्म बहुत बढ़िया बन गए। ये करना कराना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये आपके 6 कर्म थे। या स्नान संध्या पूजा तर्पण जप होम, ये 6 कर्म थे। लेकिन अब 6 कर्म बहुत बढ़िया बन गए, हाड़ में हड़िया में हाड़ मांस पकाओ और थरिया में हाड़ मांस रखो और मुख में हाड़ मांस चबाओ, अब षटकर्म बने हो। धर्म करे जहां जीव बदत हो, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहे काको कहे कसाई। पहले भाई कहे तब कहे कसाई, वो प्यार देते थे और चांटे लगाते थे। कोई राजनेता तो थे नहीं कि अमुक अमुक लोग हमारी सभा में बैठने न पाए, वो तो चांटे भी लगाते थे और प्यार भी देते थे। तो कहते हे भाई, धर्म के नाम पर जीव बध करते हो, ये तो प्रत्यक्ष कर्म है, दुष्कर्म है। जहां देव पूजन है, हवन है, तर्पण है, वहां अगर जीव मारा जाए तो धर्म क्या है। पहले हवन में खूब पशु बध होता था और हवन करते थे पशुओं का, देव पूजन में जीव बध तो आज भी चल रहा है। भारत आजाद होने के पूर्व दशहरे में एक एक रजवाड़ों यहां 500-500 भैंसे कटते थे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, रजवाड़ों की संपत्ति छीन ली गई है, तब से रजवाड़े ठंडे हो गए, पूजा बंद कर दिए। लेकिन नेपाल इत्यादि में तो अभी भी हो रहा है। जो हिंदू देश है, केवल इस भूमंडल पर हिंदू देश नेपाल है, जहां देवी देवताओं के नाम पर पशुओं को खूब बध है। तो धर्म करे जहां जीव बध तो है, कर्म करे मोरे भाई। धर्म के नाम पर जहां जीव बध होता है, साहब कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म है। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए, ये कितना कठोर है और कितना सच है। जो जीव मारे वो कसाई। मैंने कलकत्ता में देखा, पहली बार देखा, तब से गया ही नहीं। बकरा को एक व्यक्ति स्नान करा करके लाया, वो काली मंदिर में चौबाहे में पंडित लोग बैठे रहते हैं और पंडितों का रूप तो उसमें बड़ा बढ़िया देखा। आधी धोती पहने, आधी काखा सोती कांध पर डाले, जनियो चोटी चंदन लगाए और एकदम बढ़िया पंडित का रूप। एक पंडित के सामने वो बकरा लाया, फूल माला पहना दिया, टीका लगा दिया बकरे को, वेद मंत्र से अभिषिक्त कर दिया, बस पूजा हो गई। अब ले गया तो आंगन में एक खूंटा है लोह का, जो इस प्रकार दो कामा है, और उसमें एक सिज्जा पड़ा रहा था। सिज्जा निकाला, बकरे गला उसमें डाला और सिज्जा ऊपर से लगा दिया, बकरे गला फंस गया, वो जा नहीं सकता कहीं। मारे में सरलता होती, एक पेटी रखी थी, पेटी में तलवार रखी थी, बस निकाला और खप दे किया तो हम लोग हट गए कि ये तो देखना बुरा है।
या तो रोक पावे तो रोके, न रोक पावे तो ऐसा देखे ना, ये नीति है। हम लोग वहां से हट गए, प्रेम प्रकाश हम सब थे हट गए। तो ये सब धार्मिक लोग कर रहे हैं, पंडित लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, काकू कहिए कसाई, अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए, यही कसाई है। अब इसका मतलब नहीं कि सब ब्राह्मण ऐसे होते हैं, सदैव कुछ ब्राह्मण मांसाहारी नहीं थे, जब घोर मांसाहार था तब भी नहीं थे। जैसे बौद्धों में मांसाहार है वो पहले भी था, लेकिन कुछ बौद्ध मांसाहारी पहले भी नहीं थे, इसका विरोध करते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों में भी पहले भी मांसाहारी नहीं थे, आगे चल करके तो ब्राह्मणों में और हिंदू समाज में मांसाहार काफी त्याग हो गया, देवी देवता के नाम पर चलता रहा, लेकिन अब फिर नई रोशनी में फिर लोग खाने लगे। और क्योंकि प्रोटीन विटामिन का मोह, कहें कबीर सुनो संतो भरम भूल दुनियाई, साहब कहते हैं संतो सुनो ये दुनियाई लोग भरम में भूले, भरम भूल दुनियाई, भरम और भूल ये दो शब्द साहब बहुत कहते हैं। भरम होता है बाहर, भूल होता है अपने में, अपने आप की भूल और पांचों विषयों में मोह, ये भरम है और भूल है। स्वयं का ख्याल न होना भूल है, और बाहर किसी प्रकार भटक जाना भ्रम है। बकरे को काट करके देवता खुश होता है भ्रम है। तो दुनिया के लोग भ्रम और भूल में पड़े हुए, अपरम पार पार पुरुषोत्तम यागत बिरले पाई, जो ब्राह्मणत्व है, जो शिवत्व है, जो संतत्व है, जो बोध है, वो अपरम पार पार है। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होता है, महान होता है, वो अपरम पार पार होता है। मतलब है कि वो सर्वोच्च स्थिति उसकी होती है। जैसे हद बेहद की बात आई, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाद, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाद। हद गृहस्थी है तो गृहस्थी अनुसार चले वो मनुष्य है, और गृहस्थी त्याग करके जो विरक्त हो जाए वो साधु है, और जो गृहस्थी छोड़ा और विरक्ति में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से भी ऊपर हो गया वो हद बेहद दोनों से परे, साहब कहते उसका मत अगाध है। तो अपरम पार पार, अपरम पार पार का मतलब सर्वोच्च गति, उच्च गति, जहां है वही पुरुषोत्तम है, वही महान है, वही अपने आप को कह सकता मैं ब्राह्मण हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, महान है, उसकी पार गति होती है, वो हिंसा नहीं करता है, वो किसी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करता है, वो किसी प्रकार माया मोह में नहीं रहता है, उसके दिव्य और उच्च स्थित होती है। इसलिए साहब कहते हैं पंडित विचार करो और इन सब गलतियों को छोड़ो और सच्चे अर्थ में पंडित बनो।